जय माता दी, जय माँ कामख्या। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम दक्षिण काली के। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम ओम होम हस प्रेम ख प्रेम हस्त्रोम हस क प्रेम हसोम ओम ओम होम काली महाकाली किल किले फट। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम भय भद्रकाली भय। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। जय माता दी। सभी को माँ भगवती जगत जननी सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और निरोगी काया दे और ऐसा साहस आपको प्रदान करें कि आप धर्म के रास्ते पर चल सकें। हिंदू सनातन धर्म के संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनका पालन कर सके ताकि सुखी रह सके। जिस भी मनुष्य की मृत्यु तंत्र विद्या से होती है, बहुत से मनुष्यों की मृत्यु तंत्र विद्या से हो जाती है, परंतु उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है कि अचानक मौत कैसे हो गई, क्योंकि तंत्र से जब भी व्यक्ति मरता है या उसको नरक की प्राप्ति होती है और तंत्र से मरने वाला मनुष्य षष्ठी तिथि के दिन मरता है, द्वितीय तिथि के दिन मरता है या अमावस्या तिथि के दिन मरता है, तो समझो तंत्र से मरता है। और अकाल मौत होती है तंत्र से, अचानक हार्ट अटैक आएगा और चला जाएगा, अचानक एक्सीडेंट होगा और खेल खत्म हो जाएगा, अचानक वो आत्महत्या कर लेगा, अचानक गोली मार लेगा या फिर सांप काट लेगा और चल बसता है, या पानी में डूब के मर जाता है। तो वो व्यक्ति नहीं डूबता है, वो नहीं मरता है, उसको वो जो तंत्र विद्या फेंकी जाती है उसमें जो शक्ति होती है वह उसको अपने साथ लेकर के चली जाती है। ये तंत्र है, इसमें मारण प्रयोग होता है। तो ऐसी मनुष्य, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जिसकी अचानक कुछ समझ पाते उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, पूरी जिंदगी नहीं जी पाता है, नए मकान में जाता है और दो तीन महीने में मर जाता है, नई कार खरीदता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नई जमीन खरीदते हैं और 6 महीने के अंदर मर जाता है, तो ऐसे मनुष्य की आत्मा उस तांत्रिक के द्वारा भेजी गई जो शक्ति होती है उसके नियंत्रण में रहती है। और ऐसी आत्मा न तो पिंडदान लेने के लिए आती है और न तर्पण पानी लेने के लिए आती है, वह उसके नियंत्रण में रहती है। और नहीं ऐसी आत्मा अपने परिवार वालों को, किसी को भी सपने में भी नहीं आती है, बहुत कोशिश कर लो नहीं आएगी सपने में। क्यों? कि वह किसी तांत्रिक के बंधन में है, तंत्र विद्या के बंधन में रहता है। ऐसे मनुष्यों को छुड़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार वह तांत्रिक या तो मर जाता है थोड़े दिनों के बाद में, या फिर उस तांत्रिक के नियंत्रण से शक्तियों को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे मृत व्यक्ति की अकाल मौत तंत्र से तभी होती है जब वो अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करता, अपने पितृ देवता की पूजा नहीं करता,
यानी 16 श्राद्ध नहीं मनाता, अमावस्या को तर्पण नहीं करता, अमावस्या को गोदान नहीं करता, अमावस्या को दीप दान नहीं करता और अपने कुल देवी देवता के यहां पे नहीं जाता और नहीं अपने इष्ट की पूजा करता है, तो ऐसे मनुष्य ऐसे परिवार में ही तंत्र से अकाल मौत हो जाती है, या फिर किसी से आपने झगड़ा कर लिया, बिना वजह आपने झगड़ा करते करते सामने वाले को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि अंत में उसको किसी के माध्यम से आपकी मृत्यु की सुपारी देना पड़ती है, तो आप जब तक समझते हैं तब तक मौत हो चुकी होती है। इसीलिए किसे कहते हैं कि किसी की हाय मत लो, हो किसी की बद्दुआ मत लो, नाहा किसी को परेशान मत करो, क्योंकि बद्दुआ में बहुत ताकत होती है और दुआ में भी ताकत होती है, तो बद्दुआ भी गोली के माफिक लगती है और मनुष्य की मौत हो जाती है। जय माता दी, जय मां का मक्खिया।